हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं स्केचअप के अंदर कि अगर आपके पास कोई होल बनाया आपने, अगर उस होल को रिसाइज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे एक होल है, अगर मैं इस होल को अभी रिसाइज करने का ट्राई करूँ तो मैं कैसे करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ से रिसाइज करूँ तो आप देख सकते हो आप इसे रिसाइज नहीं कर पाएंगे, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और भी ट्रिक्स अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहो तो वो अच्छे से रिसाइज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, वो करनी है आपको स्केचुकेशन से, जो जिसका नाम है होल एडिटर। ये आपकी फ्री की एक्सटेंशन है, आप इसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका होल एडिटर आएगा, जिसमें दो चीजें आएंगी। फर्स्ट वन है कि आप किसी भी होल को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड सेकंड वन इज किसी भी होल को आप डिलीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये होल मॉडिफाई आपका कहां कहां पे काम आएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये होल है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 सेगमेंट्स है एंड रेडियस है 50 mm। ओके, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ मॉडिफाई पे, तो आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, रेडियस आपको कितना चाहिए, नंबर ऑफ सेगमेंट कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 mm इसका रेडियस किया और सेगमेंट कर दिए मान लो मैंने 20 यहाँ पे। ओके करता हूँ तो 10 mm रेडियस हो जाएगा और 20 आपका यहाँ पे सेगमेंट हो जाएंगे। आप क्लिक करें, एडिट करें, ये रेडियस मान लो मैंने यहाँ पे 30 mm किया एंड मैंने यहाँ पे किया ओके, तो आपका 30 mm का रेडियस हो जाएगा। अगर आप सेगमेंट कम करना चाहते हो कि 20 नहीं मेरे को 10 सेगमेंट चाहिए, ओके करो तो आप सेगमेंट भी कम कर सकते हो। अब रेडियस तो अगर आप यहां से कम करने की ट्राई करोगे ना, या ज्यादा करने की ट्राई करोगे, मान लो 40 किया, तो ऊपर वाला ही रेडियस होगा, तो नीचे वाले को आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इसको कम करना पड़ेगा। तो आप अपने होल को मॉडिफाई कर सकते हो, वन टाइम में करना है तो आप इसकी हेल्प से अपने होल को मॉडिफाई कर सकते हो, जितने आपको सेगमेंट चाहिए वो यहाँ पे सेगमेंट यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, उसके बाद है कि मान लो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूं तो आप इसकी हेल्प से डिलीट भी कर सकते हो, डबल क्लिक करो डिलीट होल कर दो, वो आपका होल डिलीट हो जाएगा। जब ट्रिपल क्लिक करो तो आप इसको होल डिलीट कर दो, वो होल ऐसे डिलीट हो जाएगा। अगर मैंने ग्रुप किया हुआ है यहाँ पे, तब भी डिलीट करोगे तो भी डिलीट हो जाएगा। अंडू करते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप किया हुआ है, अब मैं सभी को एक साथ इसका होल को एडिटिंग चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सिलेक्ट करो और होल एडिटर पे क्लिक करो, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कितने mm को आपको होल चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे 10 mm का होल डाला है एंड ओके करो, तो आप देखोगे सभी होल एक साथ चेंज हो जाएंगे। ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ होल एडिटर। ओके, अब बात करते हैं कि ये कहाँ पे काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने इस कर्व को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर्व किया, तो अब आप देखोगे ये सारा एक्सप्लोड हो गया, आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब ना तो ऐसे सिलेक्ट हो पाएगा, अगर आप इसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट करते हो कि मैंने सारा सिलेक्ट किया, अभी भी करोगे तो भी ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से और राइट क्लिक करके वेल्ड भी कर देते हो, वेल्ड एज, ताकि सिंगल क्लिक में सिलेक्ट हो जाए, तो भी आप इस होल एडिटर को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सेकेंड कंडीशन, अगर आपने सर्कुलर वे में यहाँ पे होल किया विद द हेल्प ऑफ सॉलिड टूल, तो भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करोगे और यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप डालते हो तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ये था आपका होल एडिटर जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके की अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, कौन से एक्सटेंशन के बारे में आपको जानना है उसके बारे में आप मेरे को बता सकते हो। और अगर आप न्यू हुए मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।